वेलकम नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो काफ़ी दिनों से हम ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, मतलब लाइव नहीं आ रहे हैं, तो मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। अभी कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से थोड़ा सा नहीं आ पाई और फीवर भी था, तबीयत भी थोड़ी डाउन हो रही थी, उसकी वजह से नहीं आना हुआ लाइव, तो उसके लिए माजरत। तो हम लाइव ज़रूर आएंगे और आप लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों से डिस्कस करते हैं काफ़ी चीज़ें अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो हमारा जो होने वाला है, ये वीडियो है फिलिपिन के ऊपर और फिलिपिन चाइना एंड इंडिया के ऊपर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं चाइना के साथ फिलिपिन का क्या कॉन्टेक्ट है और इंडिया के साथ क्या है, बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो को देख लेते हैं और रेट करते हैं। सर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उन्हें पता होगा कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन को जिस रणनीति से हराया था और जिस रणनीति से तोड़ा था, उसमें सबसे अहम यह था कि सोवियत यूनियन के पड़ोसियों को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर लो और उसके बाद उनका इस्तेमाल सोवियत यूनियन के खिलाफ करो। अब इस रणनीति के दो बड़े फायदे थे, पहला ये कि सोवियत यूनियन कमजोर हुआ और बाद में टूट गया, लेकिन दूसरा बड़ा फायदा ये हो गया कि इस पूरे खेल में अमेरिका को फायदा नहीं हुआ, उल्टा इन सभी पड़ोसी देशों से अमेरिका को मोटी कमाई हुई। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल भारत भी इसी रणनीति पर काम कर रहा है। चीन के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, इन सभी को अपनी तरफ धीरे धीरे ला रहा है भारत। इसमें जो नंबर वन देश है वो है फिलीपींस। फिलीपींस और चीन पड़ोसी देश तो है ही, साथ ही बहुत सारे द्वीपों को लेकर जो दक्षिण चीन सागर में स्थित है, दोनों देशों के बीच में अच्छा खासा विवाद भी है। और इसीलिए जो चीन का दुश्मन है यानी कि भारत, फिलीपींस उसके पाले में आकर अब से एक साल पहले बैठ गया था। अब भारत ने ये करने के बाद दूसरा चक्र चलाया, यानी कि इनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी किया और मोटी कमाई भी करी। कैसे, हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच दी अब से कुछ महीने पहले। अब इससे हमें कई सौ मिलियन डॉलर की कमाई हुई। साथ ही जो ब्रह्मोस दुनिया की नंबर वन क्रूज मिसाइल मानी जाती है, वो हमने इनडायरेक्ट तरीके से चीन के सर पर तैनात कर दी है, जिससे कि चीन पर प्रेशर भी बन गया है। लेकिन अभी बात यहीं तक सीमित नहीं है, एक और बड़ी गुड न्यूज आई है भारत के लिए और ये है तेजस लड़ाकू विमान से संबंधित। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि फिलीपींस अब ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत से तेजस लड़ाकू विमान भी खरीदना चाहता है और इसमें दो मकसद है फिलीपींस के। पहला ये कि उनकी वायुसेना मजबूत होगी, दूसरा मकसद ये है कि भारत के साथ और ज्यादा क्लोज संबंध बनाए जाएं, क्योंकि ये बात फिलीपींस भी जानता है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा आपका दोस्त होता है। तो यही रणनीति फिलीपींस भी अपना रहा है और भारत भी ये बात जानता है कि चीन हमारा दुश्मन है और उसका दुश्मन फिलीपींस है, तो ऐसे में वो भी हमारा एक नेचुरल दोस्त ही हुआ। ऐसे में जितना फिलीपींस को मजबूत बनाएंगे, भविष्य में हमें ही वो उतना फायदा देगा, साथ ही चीन पर दो तरफा दबाव भी खड़ा होगा। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी मोटी कमाई भी होगी, जिससे कि हमारा डिफेंस सेक्टर और ज्यादा मजबूती से खड़ा होगा। और इसीलिए फिलीपींस की जो तेजस खरीदने की इच्छा है, उसे देखते हुए भारत का जो HAL है, जो तेजस को बनाती है, उस कंपनी के कुछ अधिकारी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर फिलीपींस को तेजस लड़ाकू विमान पर ब्रीफिंग भी देंगे, जिसके बाद असेसमेंट तैयार होगा और उसके बाद तेजस लड़ाकू विमान की जो डील है उस पर काम भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। और देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, बताया भी जा रहा है कि फिलीपींस भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी खरीदना चाहता है। क्यों? क्योंकि चीन की वायुसेना जिस तरीके से ताइवान में घुसपैठ करके उन्हें परेशान करती है, पिछले कुछ महीनों से वो फिलीपींस को भी ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, अपने लड़ाकू विमान लगातार फिलीपींस की जो वायु सीमा है उसमें घुसपैठ करवाते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि एक बार हमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए, उसके बाद वो अपने देश की सुरक्षा और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और बताया जा रहा है कि भारत को भी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बेचने में फिलीपींस को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा भी फायदा है, वो भी दोहरा फायदा। हालांकि आप भारत की इस रणनीति पर क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारा आज का
आज का वीडियो है जिसमें चाइना और फिलिपिन जो है वो आपस में नहीं बनती है, और फिलिपिन जो है वो जहरी सी बात है अगर चाइना के खिलाफ फिलिपिन को कोई ऐसा लगता है कि कोई लड़ सकता है तो चाइना उसकी हेल्प करेगा, फिलिपिन हेल्प करेगा चाइना। अच्छा, चाइना के साथ किसी की नहीं बनती है, मैंने नोट किया है। चाइना को कोई अच्छा समझते ही नहीं है, इंडिया ने कभी चाइना के साथ नहीं बना के रखी है, अमेरिका चाइना के साथ बनाने को रेडी नहीं है, फिलिपिन भी नहीं बनाने को तैयार, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी और कंट्रीज हैं उन लोगों की उनसे बनती नहीं है, लेकिन चाइना जो है फिर भी घुसी जा रहा है लोगों के, पता नहीं क्या उसको मिलता है। यहाँ पर तो इंसान में इतनी होती है कि अगर उसको कोई एक बंदे को बुलाए नहीं तो दूसरा उससे बात नहीं करता दोबारा से, सिर्फ इस बात पे कि हम लोगों की भी तो कोई इज्जत है, लेकिन चाइना की तो लगता है कोई इज्जत ही नहीं है, रह ही नहीं गई है वो इज्जत, उतरते उतरते इंसान इतना बेइज्जत हो जाता है ना कि उसको फील ही नहीं होता। तो मुझे भी चाइना का कुछ वही हाल रख रहा है। तो चलते हैं कुछ जो है वो वीडियो की तरफ। तो यार बेसिकली यहाँ पर बात आती है फिलिपिन की, तो अगर इंडिया भी चाइना से इंडिया की भी नहीं बनती और फिलिपिन की भी नहीं बनती, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि फिलिपिन के साथ अगर इंडिया मिलकर करे, जैसे उनको अभी फिलिपिन को इन्होंने जो है वो मेरे ख्याल से ब्रह्मोस दिया है, शायद ब्रह्मोस ही दिया है ना, खैर इन्होंने अभी ये मिसाइल वगैरह दिए हैं, तो अगर इंडिया चाहे तो इनको और रकम रेट में, और फिलिपिन को अगर ये दे, क्योंकि फिलिपिन है चाइना का दुश्मन, ठीक है, मतलब वो चाइना के साथ तो उनकी बनती नहीं है, और फिलिपिन इंडिया के करीब भी है और इनको काफ़ी फ़र्क भी पड़ेगा, मतलब कि अगर इंडिया को स्पेस मिल जाए फिलिपिन में, तो इससे भी इंडिया की बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है चाइना के लिए। चाइना जब हरकत करे तो चाइना को वो सही उसको वहाँ पर दे सकते हैं, मतलब एयरफोर्स के लिए इनको वहाँ पर स्पेस रखनी हो जानी चाहिए इंडिया के लिए, तो फिलिपिन दे भी देगा क्योंकि वैसे भी इतना अमीर कंट्री तो है नहीं, गरीब कंट्री है, लेकिन मेन बात यह है कि साथ साथ में अगर उनको कम प्राइस में, मतलब कम तो नहीं जो है वो कम प्रॉफिट में ही उनको सेल कर दिया जाए, इस तरह के जेट और जो भी टेक्नोलॉजीज जो कि इंडिया में मेड इन इंडिया है, और उससे जो है वो एक तो इंडिया की इकनॉमी बूस्ट करेगी ना, दूसरा इंडिया को फ़ायदा भी होगा, उसका पैसा जो है जितना भी होगा वो उनकी बनाई हुई चीज़ों को प्रमोशन मिलेगी, और सऊदी और यूएई वगैरह तो सारे ले ही रहे हैं, अरब कंट्रीज तो बाय कर रहे हैं ना, लेकिन अगर यही ही फिलिपिन भी बाय कर लेता है तो इससे फ़ायदा ये होगा इंडिया को कि एक तो उनकी चीज़ बिक जाएगी, दूसरा इंडिया को जो है वहाँ पर स्पेस लेने में भी आसानी हो जाएगी, इससे चाइना को जो है ना और ज़्यादा उसके सर पे मतलब डर मंडलाता रहेगा कि कहीं हमारे साथ उल्टा ना हो जाए इंडिया यहाँ पे। खैर चाइना की कोशिश तो यही होती है कि इंडिया कहीं से भी ना आ गया है, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया ने तो अपनी सेफ्टी को देखना ही है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो खैर ओवरऑल अच्छा वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, आपका क्या कहना है ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया को स्पेस लेनी चाहिए फिलिपिन में कि नहीं, और अगर लेनी चाहिए तो क्या फिलिपिन को ये जो फाइटर जेट्स और ये जो ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल्स हैं ये इनको कम प्राइस में देने चाहिए, कम मतलब ऐसा नहीं है कि नुकसान करके बैठ जाए, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस में अगर कर लें तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इनका सिस्टम बन सकता है, आपस में कोलैब अगर कर लेते हैं तो चाइना को तो वैसे ही इससे हटेगी उसकी कि भाई हमारे खिलाफ जो है इन्होंने आपस में कोलैब कर लिया है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यस टिल देन टेक केयर, बाय बाय।